उत्तराखंड में मेट्रो और रोपवे योजना बनाने की सरकार की तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में इन परियोजनाओं को पूरा करने में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने उत्तराखंड में चल रही मेट्रो रेल, रोपवे, सड़क पुल, फ्लाईओवर, स्कूल, अस्पताल, ट्रांसपोर्ट, नगर पार्किंग कॉम्प्लेक्स, पावर प्रोजेक्ट्स, उद्योग अवस्थापना जैसी परियोजनाओं में निवेश की पेशकश की है। हुडको की ओर से इस सिलसिले में मुख्य सचिव के सामने प्रस्तुत किए गए हैं और इस अवसर पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, राजस्व, एमडीडीए और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन समेत अन्य विभागों में हुडको के सहयोग की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश में शहरी विकास मंत्री ने मदन मोहन कौशिक का, दरअसल उनका ये कहना है कि सरकार इन परियोजनाओं को खुद ही बनाए तो 20% केंद्र सरकार से सब्सिडी भी दी जाती है। वहीं केंद्र अगर खुद बनाएगी तो उसके लिए अलग नॉर्म्स होंगे। ऐसे में अगर राज्य सरकार चाहे तो हुडको को परियोजना में शामिल कर सकती है। तीन चीजें हैं, एक तो जो मेट्रो है, मेट्रो सामान्यतः ये चूंकि राज्य से होने के बाद भारत सरकार इसको तय करती है और भारत सरकार में भी दो मॉडल हैं। एक मॉडल है कि राज्य अपने आप करना चाहे तो 20% सब्सिडी देंगे और अगर भारत सरकार उसमें अपने हिसाब से करना चाहे तो फिर भारत सरकार उसको कहाँ से लोन कैसे लेना है वो तय करते हैं। इन सामान्यतः राज्य की जो योजनाएं हैं उनमें हम हुडको को शामिल कर सकते हैं।